राम और प्रिया की कहानी भी बिल्कुल एक पार्टी की तरह है, लेकिन यहाँ तो होती है ट्विस्ट वाली पार्टी। लेकिन ये ट्विस्ट ही तो बनाते हैं इस कहानी को रंगीन, क्योंकि ये ट्विस्ट ही तो लेकर आते हैं कहानी में मनोरंजन का मसाला। तो चलिए फिर पता कर आते हैं क्या है इस कहानी में एंटरटेनमेंट का अपडेट। लेकर चलते हैं आपको फटाफट राम और प्रिया के पास। उनके शो बड़े अच्छे लगते हैं किस सेट पर? सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं मैं आज राम प्रिया को अपनी स्पेशल जगह पर ले आया है। जी हाँ, वो आज प्रिया को ले पहुंचा है ढाबे पर, जहाँ वो उसे पिलाने ले आया है स्पेशल चाय। साथ ही साथ जरा देखिए तो कैसे राम आज प्रिया का सहारा बन रहा है, की सबसे बड़ी सीख भी सिखा रहा है। असल में प्रिया काफी ज्यादा परेशान है, जिसके चलते राम उसका सहारा बनने के लिए और उसकी टेंशन दूर करने के लिए उसे यहाँ लेकर आया है। मेरे सारे सपने यहाँ पूरे हो गए। हो सकता है कि डॉक्टर भैया तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाए, इसलिए तो मैं ब्यूटीफुल ड्रीम और शायद वो अच्छा तभी वहीं पर एक लड़का आ जाता है जो राम और प्रिया से कुछ खाने के लिए पैसे मांगता है, और ऐसे में राम उस लड़के को कुछ पैसे भी दे देता है, जिसे देखकर उस लड़के का दिल खुश हो जाता है और वो दे देता है राम और प्रिया को दुआएं। हम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत है। पैसे वापस दो और अपनी दुआ भी वापस दो। कम ऑन, क्या कर रही हो? देखा, घंटे बजे मेरी दुआ कबूल होगी। मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में ना ये क्लॉज करवा सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक टिशू कैरी करूँगा, क्योंकि जिंदगी में तुम्हें कभी भी कोई इशू हो सकता है ना, तो कोई भी इशू हो तो टिशू रेडी। माजी मतलब मेरा जो पनीर है, जो कि पनीर है। तुम हंसी, मैंने देखा तो। हाँ वो मैं इसलिए हंसी क्योंकि चाय बहुत मीठी है ना, तो शुगर रश वाली। अच्छा, कैसे क्यों नहीं हंसी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ।